हे जेडबल एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए1 एकेडमी पे। एंड माय नेम इज रोहन, आई एम फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट के बार बार यही कमेंट आ रहा है कि भैया जो जेई मेंस 2025 का रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, और साथ ही में जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप कर पाएंगे, एग्जैक्ट डेट बता दीजिए किस तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। साथ ही में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट इस डेट से हो रहा है, डेट्स भी बता दिए। क्या एक्चुअल वही डेट पे हमारे जो है जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाले है? क्या एग्जाम डेट ऑफिशियली रिलीज किया गया है? गाइज, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए जो जेई मेंस 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। सो आपको पूरा वीडियो एंड तक वॉच करना है। और साथ ही में बहुत सारे न्यूज पेपर है जिसपे भी यहाँ पर न्यूज है जो जेई मेंस रिगार्डेड डेट्स रिगार्डेड बहुत ही वायरल चल रही है, वो न्यूज भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो आपको वीडियो एंड तक वॉच करना है। और आपको पता है कि इसी चैनल के माध्यम से आपको जेई मेंस रिगार्डेड हर एक ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड होता है। सो आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। और गाइज, आप जेई मेंस 2025 या फिर 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आपके लिए एक न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, सो आपको वो ज्वाइन कर लेना है। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स, सो आपको ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जेई मेंस 2025 का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी अगर आप देखोगे और मोस्टली इस बार भी, ठीक है, 99.9% आप सभी की जो रजिस्ट्रेशन है नवंबर के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, ठीक है, पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा है मोस्टली देख लीजिएगा। और हाँ गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के दौरान ही उनके जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आने के रेडी नहीं होते। सो उस टाइम उनको बहुत ही तकलीफ होती है। सो आप क्या करिए, अभी से आपके जो डॉक्यूमेंट है ऑफिशियली, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि कुछ आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले, वो वीडियो नहीं देखा तो मोस्टली वॉच कर लीजिए। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे आपकी एग्जाम डेट, ठीक है, क्या आपकी एग्जैक्ट एग्जाम डेट रहने वाली है। साथ में जेई मेंस की नहीं, जेई एडवांस की डेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा एंड तक वॉच करिएगा। और हाँ गाइज, एक न्यूज़पेपर में अभी का फिलहाल का लेटेस्ट न्यूज है जो बहुत ही वायरल और बहुत ही ट्रेंडिंग जा रहा है, तो वो अभी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी का न्यूज है और बहुत ही वायरल और बहुत ही ट्रेंडिंग जा रहा है, ठीक है। देखिए, आईआईटी कानपुर करा सकता है इस बार जेई एडवांस, संभावित तारीख 25 मई, कैलेंडर जल्द ही जारी होगा। और मैंने पिछले वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जो आपका जेई मेंस 2025 के लिए जो ऑफिशियल जो ब्राउचर होता है जेई मेंस का, वो ऑफिशियल ब्राउचर जो है लगभग इसी महीने के लास्ट वीक में, ठीक है, लास्ट सप्ताह में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप सभी के जो ऑफिशियल कैलेंडर होता है जिसमें आपको हर एक डेट मेंशन होती है वो रिलीज हो जाएगा। और गाइज, डोंट वरी, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। अगर ऑफिशियल ब्राउचर रिलीज होता भी है तो भी मैं आपको जल्द से जल्द आते ही डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। सो डोंट वरी, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। देखिए, पूरा यहाँ पर अपडेट पढ़ लेते हैं। जेई एडवांस 2025 की परीक्षा तिथि की घोषणा अक्टूबर में प्रस्तावित है, ठीक है। मोस्टली जो आपका जो है जो डेट्स है वो अक्टूबर में आ सकता है, अक्टूबर फर्स्ट वीक, ठीक है। जल्द ही जेई मेंस का कैलेंडर भी जारी हो सकता है और मोस्टली होगा गाइज इसी महीने के लास्ट वीक या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक। उसके बाद देखिए, क्लियरली यहाँ पर कहा गया है जेई एडवांस का लगभग 14th ईयर का पैटर्न देखिए तो परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी संभवतः इस बार आईआईटी कानपुर को मिलेगी, ठीक है। इसमें शामिल होने वाले स्टूडेंट की संख्या हर साल बढ़ रही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर बार ओवरऑल यही अपडेट देखने को मिलता है कि हर साल ओवरऑल जो स्टूडेंट की संख्या है वो तो बढ़ेगी, साथ में कंपटीशन भी बढ़ता है। डोंट वरी गाइज, आप कर सकते हो, आपको इस बार आईआईटी फोड़ना है, बिल्कुल आपको जेई मेंस का एग्जाम और जेई एडवांस का एग्जाम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल फोड़ के आना है, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, एंड तक साथ हूँ, अंटिल योर सिलेक्शन इन आईआईटी, ठीक है, बेस्ट कॉलेज मिलने तक साथ हूँ। और देखिए, 2024 में अब तक के सबसे ज़्यादा, ठीक है, मतलब देखिए लगभग 180,200 स्टूडेंट इस बार शामिल हुए थे 2024 में। और यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि ऐसे में, ठीक है, ऐसे में अभी देखिए 2025 में जो है लगभग एक्सपेक्टेड डेट का यहाँ पर जिक्र किया है, ऐसे में वर्ष 2025 में 25 मई को इस परीक्षा की संभावना बन रही है। 25 मई को कौन सा? जेईई एडवांस की बात हो रही है। साल 2024 में 26 मई को जेईई का एग्जाम हुआ था और आपको पता है लगभग जेईई का जो एग्जाम होता है संडे को कंडक्ट होता है और लगभग हर एक मंथ के लास्ट संडे को ही कंडक्ट होता है, जो कि 2024 में 26 मई को यानी कि संडे था। तो इस बार 2025 में लगभग 25 मई को वह संडे आ रहा है जो कि मई का लास्ट संडे है। तो मोस्टली 25 मई को इस बार आपका जेई एडवांस 99.9% होने की संभावना है। सो गाइज, आप बिल्कुल एग्जाम डेट पकड़ के चलिए और उसके मुताबिक आपको, ठीक है, आपका जो स्टडी है नेक्स्ट
लेवल लेके जाना है। और बात करूं मैं JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो आपको पता है ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका जनवरी के लास्ट वीक में होता है, और मोस्टली इस बार, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि इस बार भी आप सभी की जो एग्जाम है यहाँ पर 22 जान से पकड़ के चलिए, लगभग 22 जनवरी से आप सभी की एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। सो आपको तैयार रहना है, और अभी तक आपने नेक्स्ट लेवल स्टडी स्टार्ट नहीं किया है तो आपको नेक्स्ट लेवल स्टडी स्टार्ट करना है, आपका रूटीन आपको डेली फॉलो करना है, साथ में गाइज आपको दिसंबर एंड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है जितना भी आपसे हो सके, ठीक है, और उसके बाद आपको रिवाइज करना है, और मोस्टली आपको फुल मॉक टेस्ट देना है और ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करना है, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट और जो है रिविजन उसके लिए आपको टाइम मिलना चाहिए। सो गाइज अभी से नेक्स्ट लेवल स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, और हाँ बहुत ही जल्द मैंने कहा था इसी महीने के लास्ट वीक या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आप सभी का जो JEE Mains 2025 का जो ऑफिशियल ब्राउचर है वो रिलीज होने वाला है, और आप सभी के रजिस्ट्रेशन नवंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। सो गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बहुत ही जल्द ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया जाएगा। ऐसे जारी होता है सबसे पहले आपको A1 Academy इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो अपलोड करने वाला हूं। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम होने तक और एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आपकी जोसा काउंसलिंग, और जोसा काउंसलिंग थ्रू आपको IIT मिलने तक आपको फुल सपोर्ट रहने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।